और यहाँ पर सामने एक पार्क भी है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक शॉप भी है जहाँ पर अभी तो ये सुबह सुबह का समय है तो बंद है, लेकिन यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक और भी ठंडास और कोई भी नमकीन बिस्किट ये सब कुछ मिल जाता है जो नॉर्मली ग्रोसरी दुकान में मिलता है। तो हम आ गए पार्क में। देखिए कितना सुंदर फूल है। और ये हमारे जो होटल है उसी का पार्क है। देखिए कितना सुंदर चारों ओर इसके फूल लगे हुए हैं और भी इस तरह के बेरे लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये है पार्क। सुबह सुबह का मौसम तो इतना अच्छा लगता है पार्क में कि पूछिए नहीं। ऊपर से ये पेड़ लगे हुए हैं और रात में भी यहाँ पे लाइट रहते हैं तो आप बैठ सकते हैं। यहाँ देखिए अंदर भी लोग बैठते हैं और यहाँ पे वॉश बेसिन है। अगर आपको कुछ खाते हैं पार्क में तो आप हाथ भी धो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसके मेन गेट से भी यहाँ पर एंट्री है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। पर एक रूम भी है अगर आप रुकना चाहे कुछ हो तो बैठना चाहे तो। और साथ साथ ये झूला भी है, यहाँ पर आप झूल सकते हैं। बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। साथ साथ चेयर भी है जहाँ पर आप बैठ करके रिलैक्स कर सकते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पार्क के जस्ट सामने ही यहाँ पर आपको दिख रहा है ना ये बिल्डिंग, ये हमारा खाना बनता है यहीं पर और यहीं से सर्व होता है अंदर होटल में, जहाँ पर हम लोग लंच डिनर और साथ साथ नाश्ता भी करते हैं। तो ये था पूरा पार्क का व्यू और ये शॉप। आ गए होटल के अंदर और देखिए यहाँ पर जो आपको रात में अंधेरा दिख रहा था मतलब सुबह सुबह भोर के समय, अभी देखिए ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अगर आपको आता है तो आप भी खेल सकते हैं। और देखिए कितने ज़्यादा इस एज में ये इतने फुर्तीले और इतने अच्छे से इस गेम को खेल रहे हैं। वाओ नाइस। फिर आ गए हम अपने होटल में। ये हमारा रूम है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और हमारा रूम का नंबर है 102। इस तरह का आपको कार्ड मिलेगा, इसमें सेंसर लगे होते हैं जिससे आपका डोर ओपन हो जाएगा
मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, देखिए। और यहाँ इसमें एक लाइट जलेगा अगर आपने नोटिस किया हो तो, और ये ओपन हो जाएगा। ऐसे तो आपको होटल में 3 टाइम चाय मिलता है, लेकिन आप चाहे तो अपने रूम में भी चाय बना सकते हैं अगर आपको बेटी की पीने की आदत हो या ऐसे भी ओवर टाइम पीने की आवश्यकता हो तो। तो इसके लिए ये किस तरह का कैटल दिया रहता है जिसमें आप गर्म पानी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैटल रहता है ये। और इसके साथ साथ क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ये मिल्क पाउडर रहेगा जो कि आपको होटल में मिल जाएगा इस तरह टॉफी जैसा जितने आपको चाहिए। साथ साथ ये शुगर पाउडर रहेगा और आपको टी पैकेट रहेगा इस तरह का टी पाउडर, और अगर कॉफ़ी पीना है तो आपको कॉफ़ी पाउडर भी इस तरह का रहेगा। तो सबसे पहले आप मेजरमेंट से, अगर आपको एक कप बनाकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो एक कप मैंने यहाँ पर गर्म पानी कर लिया। हाँ, इसमें भी एक स्विच है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 1 लीटर तक इसमें पानी गर्म कर सकते हैं, वो भी दिया हुआ है मैक्सिमम और मिनिमम का भी। तो मैंने यहाँ पर 1 कप के करीब, देखिए बिल्कुल पानी को खौला लिया है बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिक्स करते समय थोड़ा ठंडा हो सकता है इसीलिए। और आप इसे बंद करके भी गर्म कर सकते हैं और खोल कर भी। तो ये देखिए पानी गर्म हो गया है, और उसके बाद मैं इसे 1 कप में रख लूँगा क्योंकि मैंने मेजरमेंट सही बनाया है। गर्म पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध पाउडर। तो पहले मैंने 1 ये डाला, उसके बाद मुझे लगा कि नहीं थोड़ा और गाढ़ा होना चाहिए, तो मैंने दूसरा पैकेट भी डाला। डालेंगे शुगर पाउडर। जी हाँ, यहाँ शुगर पाउडर मिलता है, आपको चीनी का घुलाने के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा इस तरह का। और जब ये इसको भी मिक्स कर दीजिए, और साथ साथ जब दूध और चीनी मिक्स हो गया तो आप इसमें ये चाय पत्ती को डिप कीजिए, और आपका चाय रेडी है। देखिए मैं 2-3 बार आपको डिप करके दिखाता हूँ, जितना आपको कड़क चाहिए उसके अकॉर्डिंग उतना देर रखिए, और आप चाहे तो रख के भी पीते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आपका चाय रेडी। और इसके साथ साथ मैं भी हो गया हूँ रेडी। तो देखिए यहाँ पर इस तरह का ग्लास दिया हुआ है आपको रूम के अंदर, मिरर, और इसी का मैं भी देख रहा हूँ। और आज हमारा ड्रेस कोड है उसके अकॉर्डिंग ब्लू पैंट और ब्लू शर्ट हमने पहना है। चेन्नई का आप नाश्ता देख लीजिए, पूरी सब्जी उपमा वगैरह सभी है, और सभी लोग सर लोग भी खा रहे हैं, तो मैं भी खा कर मिलता हूँ आपको। हमारे मीटिंग का फर्स्ट डे है, और यहीं पर हम बैठ के, उस वाले रूम है ना उसी में आज मीटिंग होगा। तो ये देखिए एक स्टाफ अंदर से आया, वो लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये बाहर का नाश्ता करने का व्यू है, और साथ साथ यहाँ लैपटॉप से हम कुछ प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं। आपको रेस्ट रूम दिखा देते हैं, रेस्ट रूम मतलब बाथरूम टॉयलेट जिसे हम कहते हैं उसी को रेस्ट रूम कहा जाता है। तो यहाँ पर होटल में कैसा है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए टिशू के लिए भी इस तरह का पेपर दिया रहता है, साथ साथ लिक्विड आपका ये सैनिटाइजर भी दिया रहता है जिससे आप, वो देखिए वहाँ पर है ना दीवार के उसमें। फिर हो गया हमारा मीटिंग शुरू। देखिए खान सर है, ईडी सर और बाकी स्टाफ भी आ रही है, हमारा फर्स्ट डे मीटिंग है। बस आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ, इस तरह का व्यू है। मीटिंग होते हुए शाम हो गया, और इसीलिए हमारे पास ज़्यादा समय तो नहीं था, 1 घंटे के करीब था। तो सर लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलकाट्स गेम्स है जिसे कहते हैं, इसे खेल रहे हैं। ये आपका मदन गोपाल सर, रुपेश सर, और ये अरविंद, राज और शिवा, ये सभी है यहाँ पर। और इसी का छोटा सा व्यू है, और यहाँ आपको बिल्कुल साइलेंस बना के रखना है, ये चीज़ लिखा हुआ था इसके गेट में ही।
इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे गेम हैं, जैसे बैडमिंटन, जिम, कार्ड। आपको लाइब्रेरी भी अगर आप बुक पढ़ना चाहें, हमारे लोग के पास इतना पास टाइम टाइम नहीं था जिसका हर जगह हम जा सकें, तो यही इस वाले गेम को सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम करेंगे लंच, सॉरी डिनर। पर जो जो अवार्ड मिला है जिन जिन लोगों का, उनका भी नाम है और साथ साथ उनका लिस्ट भी है। देखिए, इस तरह का आपका अदर गेम भी है जहाँ पर निशाना लगाने वाला है, साथ साथ बैडमिंटन जैसे मैंने रूम कहा। अभी रात हो चुका है तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, अंदर अंधेरा है। तो देखिए, यह बैडमिंटन रूम, यहाँ पर आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। टेबल टेनिस तो मैंने आपको दिखा ही दिया था सुबह, और इसके साथ साथ अदर यहाँ पर जिम भी है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। रात है तो यहाँ पे हम जिम में भी कोई भी नहीं है, आप चाहे तो जिम कर सकते हैं, रात में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हो चुका है रात और हम कर रहे हैं डिनर, और हमारे साथ शिवा है। ये अभी हम अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, एक मैंने बाहर दिखाया था वाइट वाइट चेयर। तो आप बाहर भी डिनर या नाश्ता या लंच कर सकते हैं, और यहाँ अंदर भी इस तरह का रूम है, इसमें एसी लगा रहता है, और इस तरह का टेबल चेयर्स है जहाँ पे आप डिनर या लंच या नाश्ता कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।